हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बहुत अच्छी धूप आ रही है, हल्की फुल्की सी धूप आ रही है। मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे अक्टूबर में नहीं होता, अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, तो मुझे बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है। मैं अभी शॉप पर आई हूँ काशु के साथ, क्योंकि मुझे लेना है कुछ थोड़ा सा चटरपटर सामान घर के लिए। 6.5 hours later. तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। और यार ये पीछे आपको ना बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ना मैं लेट हो गई उससे मिलने के लिए, इसलिए अभी पहले फटाफट निकलते। तो मैं पहुँच चुकी हूँ पालम मेट्रो स्टेशन और मेरी फ्रेंड मुझे यहीं मिलने वाली है। अब पता नहीं वो कब तक आएगी, मुझे कह रही हूँ जल्दी निकल, टाइम हो गया। खुद को देखो, मैडम जी अभी तक घर से नहीं निकली है। वैसे वो इधर ही रहती है तो वो पहुंच जाएगी जल्दी, उसका भाई से छोड़ने आएगा। लेकिन भाई मैं तो जल्दी पहुंच गई ना, अब मैं धूप में बैठी हूँ। यार बाहर इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये जो मैंने डेनिम पहन कर आई हूँ ना, ये तो और गर्म हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए पहन कर आई थी क्योंकि मेरे को टैनिंग से बचना था और मेरे पास कुछ ज़्यादा खास कपड़े हैं नहीं, मतलब मैं लेकर नहीं आई यहाँ पे, इसलिए मैंने डेनिम पहन ली। और गर्मी ने इतना कोहराम मचा रखा है बाहर, ऊपर से लड़की अभी तक आई नहीं। तो मेरी फ्रेंड आ चुकी है मुझे इतना वेट करवाने के बाद, ये मैडम टपक चुकी। हाँ मैडम जी, मुझे वेट करवा के कैसा लग रहा है भरी गर्मी में दिल्ली की। माफ करिए। सबसे पहले हम पार्लर गए क्योंकि मुझे अपनी थ्रेडिंग करवानी है। पीछे भी हिमानी करवा रही है, उसके बाद मैं करवाऊंगी। यार यहाँ के ना इतना सुकून मिला क्योंकि पार्लर में चल रहा था एसी और बाहर इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। आफ्टर थ्रेडिंग हमारा लुक। तो दोस्तों हम पार्लर से फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। और टेलर ने खराब कर दी ये। ये है पालम की राम चौक की मार्केट। यहाँ मैं शायद सेकंड टाइम आ रही हूँ, एक बार मैं स्कूल टाइम पर आई थी। और यार आज ना मार्केट में सारी जगह मेहंदी लग रही थी, मतलब यहाँ इतनी भीड़ थी आज। और मुझे भी मेहंदी लगानी थी लेकिन मैं लेट हो गई थी और मैं स्कूटी में आई थी, तो इसलिए मैं मेहंदी लगवा नहीं सकती थी क्योंकि फिर मेरी स्कूटी कौन चलाता है ना। तो दोस्तों अभी हमने शॉपिंग कर ली और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। जानते हैं हम आए हैं बाउजी में, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो आज हमारी मुझे ट्रीट दे रही है, मैं गरीब हूँ के लिए मैं उसे जिंदगी में पहली बार बाहर खाना। अदरवाइज हम घर में ही मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे मोमोज आ चुके हैं और हम आए हैं यहाँ पे बाउजी मोमोज में। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ और हिमानी तो यहाँ आती रहती है, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई है। तो कौन सा तीर मारा? क्योंकि बीमार हो गई थी तो मैंने सोचा अपनी डाइट स्टार्ट करती हूँ। हमने सबसे पहले ऑर्डर किए अफगानी मलाई मोमोज, जिसको देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो ये अब खाए जा रहे हैं मोमोज। कैसे हैं मैडम? लेकिन मोमोज से ही क्रेविंग कहाँ शांत होती, इसलिए हमने पास्ता भी ऑर्डर कर लिया। अब पेट पूजा भी हो चुकी है, बातें भी हो चुकी हैं, मिलना मिलना भी हो चुका है। तो खाना तो यहाँ का बहुत अच्छा था, मज़ा आया खा के। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। अभी हम जा रहे हैं घर। ये पालम मंगलापुरी के पास है। यार इनका ना बिलिंग सिस्टम ऐसे अजीब था, मतलब ना ये बिलिंग बाहर हो रही थी। ये देखो यहाँ पर काउंटर बना था और यहाँ पर बिलिंग हो रही थी। तो ऐसे ही था मेरा कुछ आज का दिन। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? मुझे कुछ मेहंदी वेहंदी लगानी नहीं आती, तो मैंने बस सिंपल ऐसी लगाई है।